हेलो फूडीज, वेलकम टू माय चैनल मी एंड किचन। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही कम खर्च में बनने वाला सॉफ्ट और स्पंजी बेकरी जैसा केक। ये बहुत ही कम खर्च में बन जाता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है, और इसे देखकर ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना सॉफ्ट बना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। केक बनाने के लिए हम पहले केक टिन रेडी कर रहे हैं। इसके लिए मैं इसमें लगा रही हूँ बटर पेपर। इसे आप किसी डब्बे में या फिर तपेली में भी बना सकते हैं। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसमें पहले ऑयल लगाइएगा और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दीजिएगा, जिससे केक बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो पहले हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा रहे हैं और फिर उसके ऊपर हम बटर पेपर लगा देंगे। और केक के साइड्स में भी हम बटर पेपर लगाएंगे। तो हमारा केक टिन रेडी है और इसे रख देते हैं साइड में। और यहाँ हम केक को कढ़ाई में बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने एक पुरानी सी कढ़ाई गैस पर रख दी है। ज़्यादातर बेकिंग के लिए मैं यही कढ़ाई यूज़ करती हूँ। और इसमें हम नमक नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि केक बिना नमक के भी अच्छा बन जाता है। और हम कढ़ाई में रख रहे हैं एक स्टैंड, और इसके ऊपर अब हम एक थाली ढक देते हैं और इसे लो फ्लेम पर गर्म होने देते हैं। और अब हम बना लेते हैं केक का बैटर। हम यहाँ केक पार्ले जी बिस्किट से बनाने वाले हैं। इसके लिए हमने यहाँ 5-5 रुपए वाले पार्ले जी बिस्किट के पैकेट ले लिए हैं, और इन बिस्किट्स को हमें मिक्सर में पीस लेना है। तो इन्हें हम मिक्सर जार में डाल देते हैं। तो हमने इसे मिक्सर जार में डाल दिया है और इसे हमें अच्छे से पीस लेना है। तो हमने यहाँ पार्ले जी बिस्किट्स को अच्छे से पीस लिया है, और अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच घी। घी की जगह आप बटर भी डाल सकते हैं। वैसे तो इसमें बटर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिस्किट्स बनाते वक्त इसमें ऑलरेडी बटर डाल दिया जाता है। लेकिन फिर भी केक के अच्छे टेस्ट के लिए हम इसमें 1 चम्मच घी डाल रहे हैं। और इसमें हम डाल रहे हैं टूटी फ्रूटी। टूटी फ्रूटी भी केक में बहुत ही टेस्टी लगती है। और डाल रहे हैं 1 चम्मच वेलेना एसेंस। वेलेना एसेंस से केक का फ्लेवर भी बढ़ता है और इसमें से अच्छी सी खुशबू भी आती है। लेकिन अगर आपके पास वेलेना एसेंस नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम इसमें डाल रहे हैं चोको चिप्स। ये आपको किसी भी केक शॉप पे इजीली मिल जाएगी। तो हम इसमें थोड़ी सी चोको चिप्स डाल देते हैं, और थोड़ी सी चोको चिप्स हमने बचा ली है केक को ऊपर से सजाने के लिए। और इसमें हम डाल रहे हैं 3 चम्मच शक्कर। वैसे तो पार्ले जी बिस्किट में ऑलरेडी शक्कर आती है, लेकिन आप इसे टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और हम इसमें डाल रहे हैं 2 चम्मच कोको पाउडर। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसका बैटर रेडी कर लेंगे। इससे पहले हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा दूध डालकर इसका बैटर रेडी कर लेते हैं। हमें इसका पूरिंग कंसिस्टेंसी वाला बैटर बनाना है। तो हमने इसमें सारा दूध डाल दिया है, और बैटर अभी थिक है, तो हम इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे। तो केक का बैटर रेडी है, और इसे बनाने में हमें 1.5 कप दूध लगा है। और अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और चुटकी भर बेकिंग सोडा। केक बनाते वक्त बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे को हमें लास्ट में ही डालना चाहिए, जब हमें केक को बेक होने के लिए रखना होता है।
अगर हम इसे पहले डाल देते हैं तो केक अच्छे से नहीं फूलता है। और इसे डालते वक्त हमें इसमें थोड़ा सा दूध भी डाल देना है ताकि ये अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। और अब हमें इसे धीरे धीरे से पूरे केक के बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो केक के बैटर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे निकाल लेते हैं केक टिन में। और इसे हमें थोड़ा सा टैप करके इक्वल कर लेना है। और केक को हम ऊपर से डेकोरेट कर रहे हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट से। और थोड़ी सी चोको चिप से। और अब हम इसे रख देते हैं कढ़ाई में। और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम टू लो पे रखना है और इसे हम 15 से 20 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो केक को बनते हुए 20 मिनट हो गए हैं और अब हम इसे चेक कर लेते हैं। केक बहुत ही अच्छे से फूल गया है और इसे चेक करने के लिए हम यहाँ एक नाइफ ले रहे हैं। तो पहले हम केक को साइड में से चेक करेंगे। और केक साइड में से पक चुका है, अब हम इसे बीच में से चेक करेंगे। तो केक यहाँ बीच में से थोड़ा सा कच्चा है, इसे हम ढककर 10 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो इसे पकाते हुए हमें पूरे 30 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारा नाइफ एकदम क्लियर आया है और केक अच्छे से बन चुका है। और अब हम कर देते हैं गैस को बंद और इसे उतार लेते हैं। तो केक को हमने गैस पे से उतार लिया है और इसके ऊपर मैं हल्का सा गीला कपड़ा ढक रही हूँ ताकि ठंडा होने पे केक के ऊपर की लेयर हार्ड ना हो। अगर केक को हम ऐसे ही खुले में ठंडा होने देते हैं तो केक के ऊपर की लेयर हार्ड हो जाती है, इसलिए हम इसके ऊपर हल्का सा गीला कपड़ा ढक रहे हैं। इससे केक के ऊपर की लेयर हार्ड नहीं होती, सॉफ्ट बनी रहती है। तो केक ठंडा हो गया है और इसे अब हम डिमोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए केक कितनी आसानी से निकल गया है और ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। इसे हमें बहुत ही केयरफुली सीधा कर लेना है। तो केक बनके रेडी है और इसे अब हम काट लेते हैं। और केक को काटने पर ही पता चल रहा है कि ये कितना सॉफ्ट बना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।